हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई को लेकर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने कहा है कि सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष और दूसरे विधायकों के साथ जो हुआ वो निंदनीय है। इस बारे में संवाददाता विपिन परमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा से खास बातचीत की, देखिए। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और पहले दिन जिस तरह की तस्वीरें सत्र के बाहर देखने को मिली वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आज जो है कहीं ना कहीं प्रिविलेज को लेकर एक नोटिस भी जो है वो दिया गया है। और हमारे साथ इस समय बात करने के लिए हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा साहब मौजूद है। सर, सब किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से जो तस्वीरें भी थी भूपेन्द्र सिंह हुडा साहब के गले पे जो है वो सुरक्षा कर्मियों की, किस तरह से देखते हैं विधायकों के प्रिविलेज जो रहते हैं या अधिकार रहते हैं उसको देखते हैं? देखिए, पिछले सत्र में जैसा कि इंक्वायरी भी चल रही है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने कड़ा नोटिस संज्ञान लिया कि ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुख्यमंत्री पर आक्रमण तक की परिस्थिति पहुंच गई थी इस पर अभी तक। लेकिन विपक्ष के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ जब विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे जहां जाना उनका अधिकार है, तो जिस प्रकार से सरकार के आदेशों पर उनको रोकने की कोशिश की गई, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के इतिहास में ये अपने आप से लोकतंत्र की हत्या की एक नई मिसाल पेश हुई है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा दो बार हरियाणा के मुख्यमंत्री, आज विपक्ष के नेता हैं, उनको रोकने की कोशिश करना जबकि वो विधानसभा में जा रहे हैं अन्य विधायकों के साथ, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से विशेषाधिकार के हनन का मामला बनता है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के ऊपर कथित आक्रमण के बारे में स्पीकर महोदय ने संज्ञान लेकर एक कड़ी कार्रवाई की, उसी प्रकार की कार्रवाई, क्योंकि विपक्ष का नेता इज एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, तो उसी प्रकार की कार्रवाई, उसी प्रकार का संज्ञान माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को लेना चाहिए ताकि भविष्य में जो वर्दीधारी लोग हैं जो अपने हाथों में अधिकार लेकर और इस प्रकार से लोकतंत्र के हनन की कोशिश करते हैं वो भविष्य में ना कर पाए, इस प्रकार के कड़े कदम माननीय विधानसभा अध्यक्ष को उठाने चाहिए। एक लंबी सूची विपक्ष के पास, एक लंबी रणनीति तरकश में तीर तैयार किए हुए हैं, पेपर लीक का मामला है, किसानों का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मामला है। सर, आप अध्यक्ष रहे हैं, तीन दिन का समय क्या उचित समझते हैं तमाम मुद्दों को कवर करने के लिए, जब आपको प्रश्नकाल भी रखना है, शून्यकाल भी रखना है, तमाम चीजें? देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन के समय को बढ़ाने की बात की थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता सदन का समय निमटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। सरकार अपना क्रिटिसिज्म जो है, जो विश्लेषणात्मक रवैया विपक्ष रखता है, उससे बचने के लिए सदन के समय को छोटे से छोटा करने की कोशिश करते हैं। इतने महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जब विपक्ष मैदान में उतरा और हरियाणा प्रदेश के माननीय गृहमंत्री श्री अनिल विज ने इस बात को स्वीकार किया कि इसमें सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, इतना महत्वपूर्ण मामला था पेपर लीक का, एक बार नहीं 28 बार पेपर लीक, तो मेरा ये मानना है कि इस पर बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए। देश के, प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला है, कई बार पेपर कैंसिल हुए हैं और ये सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो ये एग्जाम्स हो रहे हैं, जो जिस प्रकार की इंटरव्यू प्रोसेस, इन्होंने कहा ना पर्ची ना खर्ची, ये पर्ची ना खर्ची और जिस प्रकार की नकल का आयोजन प्रयोजन हो रहा है, मैं समझता हूँ कि सरकार के जो पर्ची खर्ची वाला जो पोल खुल रही है उस पर एक गंभीर संज्ञान लेना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए थी और सदन में इस पर गहन चर्चा होनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, सरकार पेपर लीक मामले को लेकर जो है बिल लाने की तैयारी में, कल हो सकता है कि विधानसभा की पटल पर वो बिल जो है वो आ भी जाए, क्या समझते हैं कि इससे पर्पस सॉल्व हो जाएगा? पेपर लीक के अगेंस्ट ऑलरेडी कानून है,
स्पेसिफिक लॉ की जरूरत नहीं है, हाँ बिल लाने की जरूरत नहीं है, दिल लगाने की जरूरत है। अगर सरकार के दिल में ये बिल आ जाए, इस दिल में अगर ये बिल आ जाए कि हमने पेपर लीक नहीं होने दें, सरकार ही तो करा रही है और कोई थोड़ी करा। कुलदीप शर्मा साहब है जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि दिल में जो है वो विल होनी चाहिए, और तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है कुलदीप शर्मा साहब ने कहा है कि जो समय है उसको बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि ये तमाम मुद्दे हैं जिनको कवर करने के लिए जरूरी समय जो है वो विधानसभा का, मात्र 3 दिन में ये काम जो है वो नहीं हो सकते। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज चंडीगढ़।